नमस्कार, मैं हूं दिव्या रानी और आप देख रहे हैं जीएन भारत। बिशनपुर पुलिस को आज एक साथ दो कामयाबी मिली है, जहां एक 19 फरवरी को 55 साल की महिला के साथ हुए बलात्कार के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। तीनों आरोपी शेरपा बरटोला के रहने वाले हैं। तीनों आरोपियों में पवन उरांव, जितेंद्र खरवार, संदीप महतो शामिल है। पहले पवन उड़ाव को पकड़ा गया, जिसने घटना के स्वीकार करते हुए बताया कि इस कांड में जितेंद्र खैरवार नाम का लड़का, जो उक्त पीड़िता के साथ में बलात्कार किया है, और संदीप महतो और पवन उड़ाव, उनको हाथ और पांव पकड़े हुए थे। पकड़े होने के बाद स्वीकार किए, उनको विधिवत गिरफ्तार किया गया और रिपोर्टिंग होने के महज चार पाँच घंटों में इस कांड का उद्भेदन कर गिरफ्तार किया गया। वहीं बिशनपुर के चर्चित उमेश साहू हत्याकांड का मुख्य आरोपी पंकज उरांव को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने आज गुमला के बिशनपुर से TPC2 के कमांडर पंकज उर्फ अनुज उरांव को गिरफ्तार कर लिया है। पंकज के गिरफ्तार होने से व्यापारियों ने चैन की सांस ली है। कमांडर पंकज उर्फ अनुज बिशनपुर के चर्चित उमेश साहू हत्याकांड से सुर्खियों में आया था, जिसके बाद पुलिस का वह सिरदर्द बन गया था। पुलिस लगातार उसे ढूंढ रही थी। बिशनपुर के चर्चित उमेश साहू हत्याकांड का पंकज ने खुलासा भी किया है। पुलिस ने अनुज के साथ हथियार व गोली भी बरामद कर ली है और उसे जेल भेज दिया गया है। पंकज ने पुलिस को कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं, जिसके आधार पर फिलहाल कई अपराधियों की गिरफ्तारी संभव है। बिशनपुर थाना प्रभारी सदानंद सिंह ने विशेष छापामारी अभियान के क्रम में हेलता पहुंचे थे। पंकज उर्फ अनुज बिशनपुर के चर्चित उमेश हत्याकांड का मुख्य आरोपी है। इसके साथ घाघरा में भाई बहन हत्याकांड, हेलता में हुई मुठभेड़ समेत तीन कांडों में पंकज मुख्य आरोपी है। पंकज की गिरफ्तारी के साथ पुलिस ने हथियार व गोली भी बरामद किए हैं। पंकज की गिरफ्तारी के बाद SDPO मनीष चंद्र लाल, इंस्पेक्टर श्याम नंद कुमार मंडल बिशनपुर पहुंचे और मीडिया को बताया कि अनुज की तलाश पुलिस को काफ़ी समय से थी, जो कई बार बच निकला था, परंतु इस बार वह पुलिस के हाथे चढ़ा। मनीष चंद्र लाल ने बताया कि अनुज कई कांडों का खुलासा किया है। बिशनपुर थाना के थाना प्रभारी सशस्त्र बल के साथ जाकर हेलता गांव में छापामारी करने गए थे। वहीं छापामारी दौरान में वहां के स्कूल के सटे स्कूल के बगल में एक आदमी भागता हुआ नजर आया, जिसको घेर कर उनको गिरफ्तारी की गई और उसका नाम पता पूछने पर वो अपना नाम पंकज उड़ाव उर्फ पंकज धनवार उर्फ अनुज बताया। वो बताया कि हम 25/12/20 को जो मुठभेड़ घटना घटी थी, उसमें हम अपने साथियों के साथ घटना में शामिल थे और जंगल पहाड़ का फायदा उठाकर हम भाग गए थे, और जो उसके साथ तलाशी क्रम में उसके पास से अवैध हथियार बरामद किया गया है, एक देसी कटुआ घोड़े ढालक में और उसके पॉकेट में एक जिंदा गोली। उस संबंध में पूछताछ के लिए बताया कि इसके पूर्व इस हथियार से मेरे द्वारा घाघरा थाना के देवेंद्र सिंह की गोली मारकर हत्या किए थे। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें जीएन भारत के साथ। धन्यवाद।